temas de ahí, temas de ahí. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो ओसीडी का इंट्रोडक्शन था और ऑब्सेशंस क्या है, कंपल्शंस क्या है, इनसे जो टर्म्स सिमिलर हैं इनके साथ, लाइक प्री ऑक्यूपेशन, रिचुअल्स, डिल्यूजन्स, इन सब को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ये सारा डिस्कस किया था। साथ ही हमने इसकी एटियोलॉजी डिस्कस की थी, जेनेटिक्स, साइकोलॉजिकल थियोरीज और बाकी हाइपोथेसिस के व्हाट कॉजेस ओसीडी और व्हाट ओसीडी कैन प्रेजेंट विद। अब देखते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। देखिए, अगर आपके पास कभी भी डिप्रेशन का पेशेंट हो, आप उसके डीडीज में एंजाइटी मेंशन कर सकते हैं, इसलिए कि ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट ऑफ ओसीडी कैन हैव एंजाइटी। ऑब्सेशंस लीड टू एंजाइटी बिकॉज ऑफ एंजाइटी पेशेंट्स आर कंपेल्ड टू कैरी आउट कंपल्शंस। और मैंने बताया था कि ओसीडी के 50% पेशेंट्स में डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीडी फॉर। साथ ही स्किजोफ्रेनिया इज अ स्ट्रॉन्ग डीडी फॉर ओसीडी। अगर आपको लगे कि पेशेंट चाइल्डहुड में प्रेजेंट कर रहा है या किसी ऑर्गेनिक डिसऑर्डर की एविडेंस आपको मिल रही है, तो आप ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स लाइक इंसेफलाइटिस लिथार्जिका मेंशन कर सकते हैं या टॉरेट सिंड्रोम। इसी तरह से ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, दे मे हैव ओसीडी लाइक फीचर्स। तो अगर आपको लगे कि चाइल्ड है और उसमें ऑटिस्टिक बिहेवियर है, आप ऑटिज्म को भी एज डिफरेंशियल डायग्नोसिस कंसिडर कर सकते हैं। ऑटिज्म हम अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे चाइल्ड साइकेट्री में। तो जो पॉसिबल डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो क्या हो सकते हैं? एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स एंड टॉरेट सिंड्रोम एंड ऑटिज्म। अगर दरमियान में कोई प्रॉब्लम हो साउंड वगैरह की, आप इसी पर चैट में मैसेज मुझे भेज सकते हैं। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो ओसीडी को बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। एक बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट ओसीडी फ्रॉम डिफरेंट अदर डिसऑर्डर्स। बहुत सारे डिसऑर्डर्स में ओसीडी की तरह के फीचर्स हो सकते हैं, आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है। लाइक बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में होता क्या है, एक पेशेंट को अपने किसी बॉडी पार्ट के बारे में रिपीटेड थॉट्स आते हैं। मोस्टली थॉट्स नोज के बारे में हो सकते हैं कि माई नोज इज लॉन्गर, नोज इज पॉइंटेड, नोज इज टू फ्लैट, जिसकी वजह से मेरी सारी पर्सनैलिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है, या ब्रेस्ट के बारे में, बटक्स के बारे में, और या टीथ के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स को ये एंजाइटी थॉट्स आते हैं कि मेरे टीथ के दरमियान स्पेस ज़्यादा है। जब उनके थॉट्स आएंगे बार बार, तो बार बार मिरर में चेक करेंगे, कंपल्शन भी शो करते हैं, बार बार नोज चेक करेंगे, बार बार बॉडी का फिगर चेक करेंगे, और उनकी किसी भी तरह से तसल्ली नहीं होती।
तो क्या हम इसे ओसीडी लेबल करेंगे? नहीं, इसे हम बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर लेबल करेंगे। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? डिफरेंशिएट इस तरह करते हैं, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में जो थॉट्स आते हैं वो एक ही बॉडी पार्ट तक लिमिटेड होते हैं, जबकि ओसीडी के थॉट्स किसी बॉडी पार्ट तक लिमिटेड नहीं होते। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में भी बार बार सिमिलर थॉट्स रिपीट हो सकते हैं, डिप्रेसिव रूमिनेशन जिन्हें हम कहते हैं। पेशेंट को बार बार अपने बारे में थॉट्स आते हैं, आई एम अ फेलियर, या गिल्ट के थॉट्स आते हैं, या रिग्रेट के थॉट्स आते हैं। तो अगेन ओसीडी से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? जो डिप्रेशन में रूमिनेशन आती है, बार बार थॉट्स आते हैं, वो सेल्फ इमेज के बारे में होते हैं। मोस्टली उनका थीम फेलियर का होता है, गिल्ट या रिग्रेट का होता है, जबकि ओसीडी में ऐसा नहीं होता। तो अब स्लाइड में डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट देख लें। अनलाइक ओसीडी ऑब्सेशंस, डिप्रेसिव रूमिनेशंस आर एक्सपीरियंस्ड एज कंसिस्टेंट विद वन्स सेल्फ इमेज एंड यूजुअली कंसर्न सेल्फ क्रिटिसिज्म, फेलियर, गिल्ट, रिग्रेट और पेसिमिज्म अबाउट द फ्यूचर। अनलाइक ऑब्सेशन, डिप्रेसिव रूमिनेशंस डू नॉट लीड टू कंपल्सिव रिचुअल्स आल्सो। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है जिसमें अगेन पेशेंट्स को रिपीटेड थॉट्स आते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स में, एनोरेक्सिया नर्वोजा में, एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोजा में, इन सब में रिपीटेड थॉट्स आते हैं, मगर वो थॉट्स कब कहाँ तक लिमिटेड होते हैं? दे आर लिमिटेड टू बॉडी वेट एंड डाइट। अगेन आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन में आप देखें, थॉट्स एंड बिहेवियर्स आर ओनली लिमिटेड टू वेट एंड ईटिंग। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में सिमिलर थॉट्स अगेन रिपीट हो सकते हैं, पर वरिंग थॉट्स होते हैं, इजीली डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। जो वरिंग थॉट्स एंजाइटी के होते हैं उनके बाद कंपल्सिव या कंपल्जन्स नहीं होते। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में रिपीटेड थॉट्स पेशेंट को आ सकते हैं अबाउट अ सर्टेन इलनेस, अब इन्हें आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओसीडी से? जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस में पेशेंट को फियर होता है उसके लिए सिग्नल फ्रॉम विद इन द बॉडी आते हैं। अगर पेशेंट को फील हो कि मेरी हार्ट बीट ज्यादा है तो उसे थॉट आ सकता है कि शायद मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम है। अगर उसे कोई कभी कोई मस्कुलर पेन हो, बैक में मस्कुलर स्पाजम हो, हो सकता है वो कहे कि नहीं बस मुझे तो रीनल फेलियर है, मुझे किडनी स्टोन्स है। सिमिलरली अगर उसे थोड़ी सी भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो, वो कह सकता है कि मुझे लंग्स प्रॉब्लम है, आई गॉट निमोनिया और सम रिलेटेड डिसऑर्डर। तो इंटरनल सिग्नल्स को पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रियासिस में मिस इंटरप्रेट करता है, जबकि ओसीडी में जो थॉट्स आते हैं उनका सोर्स आउटसाइड होता है, कंटेमिनेशन के थॉट्स बाहर से आते हैं, फोबिया के थॉट्स बाहर से आते हैं, उनका सोर्स स्टिमुलस एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। डिफरेंशिएशन में देखिए, इन ओसीडी सच फियर अराइजेस फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल दैट कॉजेस कंटेमिनेशन rather than misinterpretation of an ordinary bodily sign or symptom. एक OPCD, obsessive compulsive personality disorder. आप OCD को OPCD से कैसे differentiate करते हैं? एक तो याद रखें, आमतौर पर personality disorders का origin childhood से होता है, childhood से आपको features मिलते हैं, एक ये differentiating point है, like paranoid schizophrenia और paranoid personality disorder को आप इसी तरह से differentiate करते हैं। जो paranoid personality disorder है उसके फीचर्स आपको childhood से मिलते हैं, तो OPCD के फीचर्स आपको childhood से मिलेंगे। Second, OCD is limited to a single theme like either contamination or doubts or checking rituals or something like this, but OPCD it is globally present in one's personality. Patient में स्क्रूपुलोसिटी होती है, स्क्रूपुलस पर्संस दे गो इनटू माइन्यूट डिटेल्स, वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, दे आर ऑल एंड दे आर ऑलवेज प्रीऑक्युपाइड विद रूल्स एंड ऑर्डर। अब ये जो उनमें परफेक्शनिज्म है या स्क्रूपुलोसिटी है, दैट दे आर प्रीऑक्युपाइड विद रूल्स एंड ऑर्डर, इट इज ग्लोबली प्रेजेंट इन एवरी इवेंट, वेयर एवर दे आर प्रेजेंट। वो जहाँ कहीं जाएंगे, जहाँ उनका वजूद होगा, वो ये फीचर्स शो करेंगे, मगर ओसीडी के फीचर्स हर जगह शो नहीं होते, इट डज बिलोंग टू द एनवायरनमेंट। कुछ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई
OCD के पेशेंट्स के ऑब्सेशंस ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं, उनके कंपल्शंस को ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। पैराफिलियाज में पेशेंट को इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, इंट्रूसिव सेक्सुअल थॉट्स। पैराफिलिया को, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, पैराफिलिया को ओसीडी से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन ओसीडी में भी हमने पढ़ा था कि ओसीडी के पेशेंट्स को इंट्रूसिव सेक्सुअल थॉट्स आ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, जो पैराफिलिक्स होते हैं दे डू नॉट रेजिस्ट देयर थॉट्स, दे डू नॉट डिसलाइक देयर थॉट्स, दे मे इवन एंजॉय देयर थॉट्स। क्योंकि ओसीडी के पेशेंट्स अपने थॉट्स से तंग होते हैं, उन्हें रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बास फीमेल्स में बच्चे की डिलीवरी के बाद ऑब्सेशंस स्टार्ट हो सकते हैं और उनमें दे मे डेवलप अर्जेस टू हार्म इन्फेंट। तो इसे अगेन हम ओसीडी से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओसीडी में पेशेंट्स के थॉट्स का ओरिजिन डिप्रेशन या साइकोसिस या कोई इवेंट नहीं होता और वो अपने थॉट्स को रेजिस्ट करते हैं, जबकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में थॉट्स रेजिस्ट नहीं किए जाते। पीटीएसडी को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ओसीडी से? पीटीएसडी को पहले आप रिलेट कैसे कर सकते हैं ओसीडी के साथ? देखिए, पीटीएसडी के पेशेंट्स में भी एक इवेंट जो हुआ है, ट्रॉमेटिक इवेंट, उसके थॉट्स बार बार जहन में आते हैं या वो सीन बार बार जहन में आता है। जबकि ओसीडी के पेशेंट में भी इस तरह के थॉट्स आ सकते हैं। तो जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो बिल्कुल सिंपल है। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि जो पीटीएसडी में इवेंट्स के थॉट्स जहन में आते हैं, वो एक एक्चुअल इवेंट होता है जो हो चुका होता है, जबकि ओसीडी में किसी होने वाले इवेंट के बारे में थॉट्स आते हैं जो कि अभी तक हुआ नहीं है। आप स्लाइड में डिफरेंस देख लें। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इंट्रूसिव थॉट्स एंड इमेजेस ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट। डिफरेंशिएशन, थॉट्स रिप्ले एक्चुअल इवेंट्स रादर देन एंटीसिपेट फ्यूचर इवेंट्स एज इन ओसीडी। सिमिलरली स्किज़ोफ्रेनिया में एक ही थॉट बार बार आ सकता है, मगर वो थॉट मोस्टली डिल्यूजन के फॉर्म में होता है। अगर वो ऑब्सेशन के फॉर्म में हो, तो मैंने आपको बताया था कि स्किज़ोफ्रेनिया के ऑब्सेशंस बहुत पेक्यूलियर होते हैं, उनमें कंपल्शंस बहुत ऑड होते हैं और उनमें रेजिस्टेंस बहुत ही वीक होती है। थॉरेट्स डिसऑर्डर में जो टिक्स पेशेंट्स में होते हैं, वोकल या मोटर टिक्स, उनसे पहले एंजाइटी नहीं होती, ऑब्सेशंस नहीं होते और वो टिक्स करके पेशेंट्स एंजाइटी कम नहीं होती, तो इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन आप देख लें। टिक्स अनलाइक कंपल्शंस आर नॉट प्रीसीडेड बाय थॉट्स नॉर एम्ड एट रिलीविंग एंजाइटी और प्रिवेंटिंग और अंडरगोइंग एनी इवेंट। इसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिक डिल्यूजंस होते हैं, उनका थीम मैनिया होता है, वो ऑब्सेशंस नहीं कहलाए जा सकते। जो भी तक हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं कि आप ओसीडी को बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर के साथ से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिप्रेशन या डिप्रेसिव रूमिनेशन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर के इंट्रूसिव थॉट्स से आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी के वरिंग थॉट्स से आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियासिस को हाइपोकॉन्ड्रियकल ऑब्सेशन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओसीडी को ओपीसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पैराफिलिया से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पीटीएसडी से, स्किज़ोफ्रेनिया, टॉरेट्स डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपके लिए दो न्यूज़ है, एक तो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये साथ साथ में रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ, तो अगर किसी को यूएसबी में बाद में फ्लैश ड्राइव में चाहिए हो, आप इन्हीं लेक्चर्स को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं इन केस आपने कुछ भी या रिवाइज करना हो। और दूसरी बात ये है कि बट आई हैव नोटेड के डिपार्टमेंट में मोर देन हाफ रेजिडेंट्स ऐसे हैं जो या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर ट्रेनीज हैं, तो उनके लिए बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो उनको आनी चाहिए वो अभी तक उनको पढ़ाए नहीं गए। फॉर एग्जांपल, प्रॉपरली हिस्ट्री टेकिंग या मेंटल स्टेट कम्प्लीट करना, फिनोमिनोलॉजी या बीएस के लेक्चर्स। तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज दैट के सैटरडे भी मैं एक शॉर्ट क्लास रखने जा रहा हूँ 40 मिनट्स का,
उसमें जो भी आप में विलिंग हो, बट आई थिंक आप सबको अटेंड करना चाहिए, इसलिए कि साइकेट्री स्टार्ट होती है साइकेट्रिक हिस्ट्री से और साइकेट्री एंड होगी साइकेट्रिक हिस्ट्री पर। आप थ्रू आउट रेजिडेंसी और इवन ड्यूरिंग कंसल्टेंसी आप साइकेट्रिक हिस्ट्री ही सीख रहे होंगे और मेंटल स्टडी सीख रहे होंगे। तो जो सैटरडे में क्लास रखने जा रहा हूँ उसमें हम हिस्ट्री टेकिंग, फिनोमिनोलॉजी और प्री आईएमएम स्टूडेंट्स के लिए आईएमएम के टॉपिक्स रखेंगे ताकि साथ साथ उनकी तैयारी भी होती रहे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू अटेंड दैट आल्सो। हम इसी स्टार्ट करेंगे इसी सैटरडे से। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, ओसीडी के पेशेंट स्किन स्पेशलिटीज में विजिट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली दे विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट को बहुत ज्यादा वो विजिट करते हैं। वो किन फीचर्स के साथ विजिट करते हैं? विद ब्रूज्ड हैंड्स या चैप्ड हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ इतने धोए होते हैं कि स्किन प्रॉपरली कम्प्लीटली ब्रूज हो चुकी होती है या चैप्ड हो चुकी होती है। वो अपने स्किन की कंसल्टेशन के लिए वहां जाते हैं और जैसे ही वो डर्मेटोलॉजिस्ट उन्हें असेस करते हैं तो उनके इस एक्ट के बिहाइंड उनके ऑब्सेशंस होते हैं। कुछ पेशेंट्स जो कि हाइपोकॉन्ड्रियकल ऑब्सेशंस डेवलप कर जाते हैं कि मुझे या एड्स है या कोई कैंसर है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं रिपीटेडली। इन्फेक्शस डिजीज स्पेशलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और इसी तरह से बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनमें ओसीडी प्रेजेंट होती है वो न्यूरोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं। लाइक थॉरैक्स डिसऑर्डर में हेड इंजरी, एपिलेप्सी, कोरिया और बाकी बेसल गैंग्लिया लीजंस में पेशेंट्स में ओसीडी डेवलप हो सकती है और वो न्यूरोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इसी तरह से वो पेशेंट्स ओसीडी के जिनके सिम्टम्स रिस्पॉन्ड नहीं करते टू मेडिसिंस या साइकोथेरेपी, उसे हम लेबल करते इंट्रैक्टेबल ओसीडी, कंप्लीटली रेजिस्टेंट ओसीडी, दे कैन विजिट न्यूरोसर्जन्स फॉर साइकोसर्जरी। इसलिए कि एक ट्रीटमेंट में ऑप्शंस हम पढ़ेंगे कि न्यूरोसर्जरी भी होती है ओसीडी के केसेस में अगर रेजिस्टेंट ओसीडी हो। जो पोस्टपार्टम ओसीडी डेवलप करते हैं दे कैन विजिट देयर ऑब्स्टेट्रिशियंस, और बहुत सारे ओसीडी के पेशेंट्स को पीडियाट्रिशियंस के पास ले जाया जाता है जो पेरेंट्स ही ऑब्जर्व करते हैं कि चाइल्ड में रिपीटेड हैंड वॉशिंग या कोई और एक्ट रिपीट हो रहा है, कंपल्जन उसने डेवलप किए, सो दे कैन विजिट पीडियाट्रिशियंस। जिन पेशेंट्स में स्पेशली बच्चों में सिडेनहैम स्कोरिया डेवलप हो चुका होता है वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को क्यों विजिट करते हैं? इसलिए कि सिडेनहैम स्कोरिया के साथ साथ पेशेंट्स को रूमेटिक फीवर होता है जिसमें हार्ट इफेक्ट होता है, हार्ट इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट्स अपने एबनॉर्मल फीचर्स के लिए प्लास्टिक सर्जन को विजिट कर सकते हैं। एक ओसीडी का पेशेंट अगर उसने उसका कंपल्जन बार बार और एक्सेसिव टीथ क्लीनिंग हो तो डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्पेशलिटीज है जिन्हें ओसीडी के पेशेंट्स विजिट कर सकते हैं बिफोर कमिंग प्रॉपरली टू द साइकेट्रिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट या इन्फेक्शस डिजीज स्पेशलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं, न्यूरोसर्जन, ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन को विजिट कर सकते हैं और डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं। डेंटिस्ट को तो इसलिए भी विजिट कर सकते हैं कि अगर उनको अपने टीथ एबनॉर्मल लग रहा है जबकि वो नॉर्मल हो, उनके ऑब्सेशंस टीथ के शेप के बारे में हो। नाउ हाउ डू वी मैनेज अ पेशेंट ऑफ ओसीडी? फर्स्ट बायोलॉजिकल ऑप्शंस, फिर साइकोलॉजिकल ऑप्शंस एंड देन सोशल ऑप्शंस, बायो साइको सोशल मॉडल। सो आवर फर्स्ट मैनेजमेंट इज मोस्टली साइकोलॉजिकल। मैं यहाँ पर स्लाइड वाइज में पहले आपको फार्माकोलॉजिकल बता देता हूँ।
अगर आप समझते हैं कि पेशेंट के लिए आपने कोई मेडिसिन एडवाइस करनी है, सो ऑन द सेफ साइड स्टार्ट विद SSRI. कोई भी SSRI आप स्टार्ट कर सकते हैं, मोस्ट प्रेफरेबली फ्लॉक्सिटीन और सेरोटोनिन और पेरोक्सिटीन या फ्लुओक्सामिन. आपने हर पेशेंट के लिहाज से डिसाइड करना होता है कि पेशेंट को कौन सा SSRI सूट करेगा. ओबीस पेशेंट है, आप कौन सा SSRI डिसाइड करेंगे? ओबेसिटी में अगर पेशेंट ओबीस हो, आप डेफिनेटली वो डिसाइड करना चाहेंगे जिससे वेट ज्यादा ना बढ़ता हो, फ्लॉक्सिटीन. अगर चाइल्ड प्रेजेंट करे विद ओसीडी, अगेन आप फ्लॉक्सिटीन या सेरोटोनिन प्रेफर करते हैं. मोस्टली चिल्ड्रन में पेरोक्सिटीन को अवॉइड करते हैं. अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, अगेन आप पेरोक्सिटीन डिसाइड नहीं कर सकते आप, या फ्लॉक्सिटीन मोस्टली हम प्रेफर करते हैं. पेशेंट में हार्ट प्रॉब्लम हो, सेरोटोनिन मोस्टली डिसाइड करते हैं. डिलीवरी के बाद इफ मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग, हम फ्लॉक्सिटीन या एस्टालोप्राम अवॉइड करते हैं, सेरोटोनिन एंड पेरोक्सिटीन प्रेफर चॉइसेस हैं. तो पेशेंट के एज, प्रोफेशन, फिजिक के बारे हवाले से हम डिसाइड करते हैं. तो ये आपका आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस बनता जाएगा कि विच SSRI इज टू बी सेलेक्टेड. अगर पेशेंट एक SSRI को रिस्पॉन्ड ना करे फॉर 4 to 6 weeks, आप या तो उसी की डोज ऑप्टिमाइज करते हैं, मजीद बढ़ाते हैं, या एक सेकेंड SSRI की तरफ शिफ्ट करते हैं. अगर आपने पहले सेरोटोनिन पर रखा है, अब आप पेरोक्सिटीन स्टार्ट कर सकते हैं. अगर पेशेंट उसे भी रिस्पॉन्ड ना करे थर्ड स्टेप, तो आपके पास अब दो ऑप्शन रह जाते हैं. आप या तो उस SSRI के साथ एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ऐड कर लें, लाइक रिस्पेरिडोन, लाइक एरिपिप्राजोल, लाइक ओलेंजिटीन, या फिर क्लोमिप्रामीन की तरफ शिफ्ट कर दें, TCA ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट क्लोमिप्रामीन. अगर आप SSRI लिख रहे हैं, हाउ डू वी राइट, हाउ डू वी प्रिस्क्राइब SSRI? SSRI is generally disturbed sleep, so they must be given after breakfast. TCA is induced sleep, they must be given at night. मगर ऐसा भी हो सकता है, person to person ये variation आ सकती है, कि patient को किसी SSRI से sleepiness महसूस हो, sedation महसूस हो, तो आप उसको फिर night में भी shift कर सकते हैं. कुछ पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि पेरोक्सिटीन ड्यूरिंग द डे ड्राउजीनेस कॉज करता है, तो आप नाइट में दे सकते हैं. अदरवाइज जनरल रूल ये है. अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस, CBT, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी. इसमें जो बिहेवियर थेरेपीज है उसकी लिस्ट आप देख ले पहले, कि कॉग्निटिव थेरेपी अलग से अप्लाई करते हैं, बिहेवियरल थेरेपीज अलग से. OCD के लिए CBT की ये टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा कॉमनली एग्जाम्स में पूछते हैं. आप टास्क दे सकते हैं कि आप पेशेंट को इसके बिहेवियरल थेरेपीज एक्सप्लेन कर लें. मोस्ट कॉमनली अप्लाइड इन केस ऑफ पेशेंट्स प्रेजेंटिंग विद प्रोमिनेंट कंपल्शंस इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में क्या करते हैं, पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू द सोर्स ऑफ फियर, टू द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, एंड इज एडवाइज्ड नॉट टू रिपीट कंपल्शन. सो इज एक्सपोज्ड, ये एक्सपोजर पार्ट हुआ, एंड ही इज आस्क्ड टू अवॉइड कंपल्शन, ये रिस्पॉन्स प्रिवेंशन वाला पार्ट हुआ. इट इज कनेक्टेड, कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट successful psychotherapy in case of patients who have developed OCD. इसके मज़ीद आप details different journals में देख सकते हैं. Second is thought stopping technique. It is a detailed technique. इसकी कुछ details है कि पेज पर मैं आप WhatsApp group में share करूँगा. It may require a short lecture. Third is systemic desensitization. इसमें क्या करते हैं, अब एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. अगर पेशेंट को ऑब्सेशंस हाथ के बारे में आ रहे हैं कि मेरे हाथ गंदे होते हैं, पेपर भी रख कर, तो आप OPD में ये डिसेंसिटाइजेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं. आप पेशेंट से कहें कि जिस सोफे पर आप बैठे हैं उस पर हाथ हाथ फेर लें. पहले डॉक्टर खुद हाथ फेर लेता है,
पेशेंट के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि देखिए मेरे हाथ गंदे नहीं हो रहे, फिर पेशेंट वहाँ पर हाथ फेर लेता है। फिर आप उनसे कहते हैं कि देखिए आप यहाँ पर, अब जहाँ डॉक्टर का टेबल है, टेबल पर बाजूकत कुछ डस्ट होता है, वहाँ पर आप हाथ फेर लें। द सेशन में एक्सपायर इन 10 मिनट्स, सो आई विल बी सेंडिंग यू री इन्विटेशन। तो अब वो टेबल पर हाथ फेरेगा, अगेन पहले डॉक्टर डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है पेशेंट से, वो कहेगा कि आप हाथ फेर लें। पेशेंट को एंजाइटी होती है, बट ही हैज टू फॉलो द कमांड। तो पेशेंट हाथ फेर लेगा, फिर आप उनसे कहते हैं देख अब आते हैं दीवार की तरफ, अब मैं दीवार पर हाथ फेर लेता हूं, फिर आपने हाथ फेरना है। अब आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम द क्लीनेस्ट टू द डर्टीएस्ट स्टिमुलस की तरफ जाने लगते हैं। फिर आप कहते हैं कि आ जाए पेशेंट वॉशरूम आ जाए, आप उसे वॉशरूम ले जा सकते हैं, किचन ले जा सकते हैं, वहाँ की वॉल पर आप हाथ फेर ले, फिर वो हाथ फेर ले, फिर आप सिंक पर हाथ फेर ले, फिर वो हाथ फेर ले। सो इट इज कॉल्ड सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। नेक्स्ट इज फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या है? इट इज मोस्टली अवॉइडेड। बहुत सारे पेशेंट्स फ्लडिंग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। यू आस्क पेशेंट डायरेक्टली टू टच द डर्टीएस्ट प्लेस, जिससे बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होते हैं पेशेंट को। सो अगर पेशेंट ऐसा करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो मोस्टली दे कैन फील रिलीफ फ्रॉम देयर ऑब्सेशंस। सो यू कैन आस्क पेशेंट डायरेक्टली टू गो एंड टच कम आउट ऑफ द वॉशरूम और सिंक ऑफ वॉशरूम। एंड नेक्स्ट इज इम्प्लोजन थेरापी। इम्प्लोजन थेरापी बिल्कुल सिमिलर फ्लडिंग की तरह है। इसमें डिफरेंस ये है कि इन फ्लडिंग द पेशेंट इज एक्सपोज टू द एक्चुअल साइट और इमेज ऑफ द एक्चुअल साइट। इन इम्प्लोजन थेरापी patient is asked to only imagine that place, only to imagine that dirtiest stimulus. Ab difference dekh le implosion therapy and flooding ka. Both these therapies expose the client to anxiety arousing stimuli for prolonged durations. Flooding deals with the actual stimulus or its image, while implosion therapy anxiety is aroused by only imagining the stimuli without direct contact, by only imagining the actual stimulus. Aversive conditioning. Maine aapse kaha tha ki aversive conditioning mein when patient is exposed to a source of obsessions, then is asked to avoid compulsions. Aur agar wo compulsion repeat kare, dobara haath dhoye, ya koi act repeat kare, then he is given either a psychological or physical punishment. So patient pehle se conscious rehte hain, agar maine ye act repeat kiya, I'll be given some sort of punishment. It is called aversive conditioning. So what were the behavioral therapies? List dobara dekh le, exposure and response prevention, thought stopping technique, desensitization, flooding, implosion therapy, aversive conditioning. Next is cognitive therapy. ये एक psychotherapy है, इसमें cognitions पर focus करते हैं. Again, it needs a lot of details. If you are a student of CBT, then you can be taught those techniques. Dynamic psychotherapy apply करते हैं, जिसे mostly patient के रिलेशनशिप्स को फोकस किया जाता है, ताकि उस स्थिति से उसके जो रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुए वो अफेक्ट ना हो, एंड सपोर्टिव साइकोथेरेपी कैन आल्सो बी एडवाइज्ड। फर्दर ऑन ओपीडी बेसिस अब कुछ और थेरेपीज भी एडवाइस करते हैं, लाइक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, इज कॉल्ड रबर बैंड टेक्निक। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक में हम पेशेंट से कहते हैं कि आप एक हाथ पे एक रबर बांधे, उस रबर को पुल किया करें। जब भी आपको कोई थॉट आए, अब इस रबर को पुल करके एकदम से रिलीज किया करें। आपको एक पेनफुल स्टिमुलस मिलेगा और उससे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे उस थॉट से। अगेन आपको एक रिमाइंडर मिलेगा कि आपने इस बारे में सोचना नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेक्निक्स प्रैक्टिकली अप्लाई। तो अक्सर जब हमारे पास ओसीडी के पेशेंट्स आते हैं, हम उन्हें कागज पर ये टेक्निक लेकर देते हैं। सेकेंड, उन्हें कागज पर हम हैबिचुएशन टेक्निक बताते हैं, सिंपल टेक्निक है। हम उनसे कहते हैं कि आप अपने थॉट्स लिख लिया करें, आप ये लिख लिया करें कि मुझे ये ख्यालात आते हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं,
मगर इसमें कोई हकीकत नहीं। ये जुमला आपने एक बार लिखा, फिर बार बार लिखते जाए, 50 टाइम्स लिखे, 60 टाइम्स लिखे, क्या लिखना है? मुझे ये ख्यालात आते हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं, मगर ये सिर्फ मेरे ख्यालात हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। या आप अपने थॉट्स, इसी थॉट को रिकॉर्ड कर ले, आप ये रिकॉर्ड कर लें किसी भी सेल फोन पे, टेप रिकॉर्डर पर, कि मुझे ये ख्यालात आते हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं, मगर ये महज मेरे ख्यालात हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। उन पर बार बार सुना करें। जो आप इसे बार बार लिखेंगे, बार बार सुनेंगे, यू विल गेट यूज्ड टू दैट थॉट। इसे कहते हैं हैबिचुएशन टेक्निक। उससे उन थॉट्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है। वो थॉट्स जो इनिशियल एंजाइटी कॉज कर रहे थे, वो एंजाइटी अब वो कॉज नहीं करेंगे। थर्ड, मॉडलिंग टेक्निक हम ओपीडीज में बताते हैं। मॉडलिंग ये है वेरी सिंपल टेक्निक। आप घर में बाकी बंदों को देखें, वो किस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं। अगर आप 3 घंटे लगा रहे हैं गुसल करने में, नहाने में, आप देख ले आपके घर के बाकी मेंबर्स कितना टाइम लगाते हैं। अगर आपके हाथ बार बार कहीं पर टच होने से गंदे हो रहे हैं और आप बार बार हाथ धो रहे हैं, आप घर के बाकी फैमिली मेंबर्स को देखें, उनके हाथ कहाँ कहाँ लग रहे हैं और वो क्यों नहीं धो रहे हैं। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल टेक्निक ऑफ मॉडलिंग। एंड सोशली हाउ कैन यू हेल्प पेशेंट बाय 3 different techniques। आप वो कल्चरल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं जिनसे ऑब्सेशंस या कंपल्शंस बढ़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप फैमिली रिलेशनशिप्स को एड्रेस करते हैं ताकि फैमिली लाइफ इफेक्ट ना हो पेशेंट की। थर्ड, अगर किसी किस्म का सोशल सपोर्ट चाहिए, आप वो ऑफर करते हैं थ्रू सोशल वर्कर्स। इसीलिए एक आइडियल साइकियाट्रिक सेटअप में 3 तरह के लोग काम करते हैं, अलोंग विद साइकियाट्रिक नर्स। तो 3 तरह के लोग काम करते हैं, वो है साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर। तो ये तो बायो साइको सोशल मॉडल। फर्दर देयर आर सम फिजिकल ट्रीटमेंट्स। अगर पेशेंट्स किसी भी तरह रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, सो द 2 or 3 पॉसिबल फिजिकल टेक्निक्स आर न्यूरोसर्जरी, DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। And before offering these two, you must offer ECT. Kaplan and Sadok mein likha hai, third point, last point, space slide ka dekh le. ECT must be tried before starting any of these physical treatments. Now, what is neurosurgery or psychosurgery? Isme neurosurgeons cingulotomy karte hain, cingulate cortex ka ek part remove karte hain, ya capsulotomy karte hain, basal ganglia mein caudate nucleus ka ek part remove karte hain, जिससे प्रोग्नोसिस इसमें काफ़ी अच्छी होती है, मगर इसमें पेशेंट्स की डेथ्स भी हुई है। अगर ऐसा भी हुआ है कि ट्रीटमेंट फेल हुई हो और न्यूरोसर्जरी के बावजूद पेशेंट्स में वो सिम्टम्स रह जाते हों। DBS में क्या करते हैं, इसमें MRI गाइडेड इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के अंदर बेजल गेंगलिया में रखते हैं। उन इलेक्ट्रोड से मुसलसल स्टिमुलस मिलता है बेजल गेंगलिया को, and patients avoid obsessions and compulsions. मगर इस प्रोसीजर के जो साइड इफेक्ट्स है, स्लाइड में मेंशन किए हैं, आप देख ले, टू ट्रीट ओसीडी एंड टॉरेंस डिसऑर्डर, MRI गाइडेड टेक्निक्स आर यूज्ड टू इम्प्लांट इलेक्ट्रोड्स इन बेसल गैंग्लिया। कॉम्प्लिकेशंस फॉर DBS इंक्लूड इन्फेक्शन, ब्लीडिंग एंड सीजर्स। तो फिजिकल ट्रीटमेंट्स क्या पॉसिबल है, न्यूरोसर्जरी एंड DBS। जनरली अगर आपसे ट्रीटमेंट पूछे तो आपने इसी तरह से ट्रीटमेंट बतानी जो भी हमने डिस्कस की है, मगर अगर स्पेसिफिकली कोई टॉक्स हो, शॉर्ट केस हो, या कोई SAQ में आपसे कहा जाए कि आप नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक स्टेप केयर मॉडल OCD का बता दें, तो इसके 6 steps सुने। सिर्फ आपने हेडिंग्स याद रखनी है। Step 1, अवेयरनेस एंड रिकॉग्निशन। इसका मतलब ये है, उनके प्राइमरी लेवल पर पेरिफ्री में, रिमोट एरियाज में, आप अवेयरनेस देते हैं अबाउट OCD टू हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, और उनसे कहते हैं कि वो रिकॉग्नाइज कर ले केसेस OCD के। Step 2, टर्शरी लेवल पर डिफरेंट OPDs में OCD के पेशेंट्स आते हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड वेदर दे आर दे प्रेजेंट टू अ डेंटिस्ट, अ स्किन स्पेशलिस्ट, अ फिजिशियन, gynecologist or psychiatrist. Patients must be recognized and assessed. Third point,
मैनेजमेंट एंड इनिशियल ट्रीटमेंट। इनिशियली आप क्या करते हैं, आप पेशेंट को रिव्यू करके उसके साथ ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, उन्हें ऑप्शंस ऑफर करते हैं कि वो किस ऑप्शन को फॉलो करना चाहिए।